फोकस करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज के मैनेजमेंट पर, और आज बात होने वाली है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के मैनेजमेंट से। हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ यू शेखर साहब, जिनसे बात होगी कंपनी के आउटलुक पर। लेकिन पहले कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स जो है वो भारत की दिग्गज सर्फेक्टेंट्स और स्पेशलिटी केयर कंपनी है। होम केयर और पर्सनल केयर इंडस्ट्री पर इनका बड़ा फोकस है। 75 देशों में इनकी मौजूदगी है और 1750 से ज़्यादा इनके पास कस्टमर्स हैं। यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट समेत कई बड़े दिग्गज जो है ग्लोबल क्लाइंट इनके साथ हैं। एमएनसी कंपनियों से इसकी आय करीब करीब 50% से ज़्यादा है, 51% के आसपास। 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके पास, करीब 4.5 लाख MTPA की क्षमता है। और पिछले 7 सालों में इसका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 1:1 से घटकर 0.2 पर आ गया है। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट आज हमारे फोकस में है। शेखर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत में करना चाहूंगा, इस समय जो एनवायरनमेंट है उसका व्यू लेकर, डिमांड की सिचुएशन आपको कैसी दिखाई दे रही है, प्राइसिंग के ट्रेंड्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, और फिलहाल आपके जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं सबसे ज्यादा ट्रैक्शन, सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पर आपको दिख रही है? सो ये बोल सकते हैं कि ये क्वार्टर से जरूर सप्लाई चेन की स्थिति में जरा सुधार आया है, बट अभी भी नहीं, ये नहीं बोल सकते हैं कि नॉर्मल सी आया है। सो आई वुड सडनली से दैट ओवरऑल द डिमांड सिचुएशन इज स्टिल गुड। व्हेन आई से ओवरऑल, इट इज अक्रॉस द वेरियस ज्योग्राफीज, बट देन हमारी जो सर्विस करने की जो क्षमता है अभी तक पूरी पोटेंशियल में पहुंचा नहीं है। सडनली देयर हैज बीन अ सुधार इन द लास्ट क्वार्टर, आई थिंक इट शुड कीप इम्प्रूविंग इन द कमिंग क्वार्टर्स। या बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट हमारे जो दो प्लांट्स जो हमने स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का प्लांट जो कमीशन किया है वो अच्छी तरह से चल रही है हमारी जगाड़िया में। एंड ये जो है हमारी कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नॉन टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव्स, इट हैज रियली इनेबल्ड पर्टिकुलरली इन द डेवलप्ड कंट्रीज, ओके, इंक्लूडिंग यूएस एंड यूरोप। सो दैट्स अ स्टेटस। द लास्ट क्वार्टर सडनली हैज बीन अ seen a significant improvement over the previous quarters that we had. बिल्कुल मिस्टर शेखर, हम देख रहे हैं कि जो आपके नंबर्स हैं उसमें पिछले 4 से 6 क्वार्टर से मार्जिन पर काफ़ी प्रेशर दिखाई दे रहा है। आपने भी अभी कहा कि सप्लाई चेन का इशू बना हुआ है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। आपके क्या जो है गाइडेंस है, आपका क्या व्यू है कि यहाँ से क्या आपके वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, और आने वाले दिनों में आप मार्जिन्स को बेटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने वाले हैं? ये जो प्राइस इन्फ्लेशन जो है ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, कभी पहले हमने देखा नहीं है कमोडिटी की प्राइसेस में या शिपिंग फ्रेट में, प्राइसेस में और कंटेनर का रेट्स में काफ़ी यू नो हाई लेवल ऑफ यू नो इन्फ्लेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। वी हैव सीन फ्रेट रेट्स अप by anywhere between 300 to 1000% depending upon the geographies. There are certain geographies where it as high as 1000%. So our ability to pass it on, yes, there is there, but not immediately, not overnight. So this has to be passed on over a particular period of time. And but what is also a reality is that this particular high prices of the end products, which has been a result of both commodity high prices as well as freight prices, certainly has an impact on consumption. And this impact on consumption, we are able to see it in this particular quarter. And we hope that, but we do expect this to be there, maybe even another one more quarter or so. Unless and until the prices normalize or at least come back near to normal,
we are going to see an hit in consumption across the various geographies. So we are keeping ourselves on the alert with respect to managing this volatility. At the same time, are hopeful that we would look forward to things coming as normal as possible. All of us are certainly very glad that the COVID situation in India is under control, and it is slowly coming back to normalcy across the various parts of the world. Though there are certain pockets which are still worrisome. We have heard about, you know, China, certain lockdowns in cities in you know, China, which certainly impacts people attendance, as a result of which availability of manpower does impact service levels in various areas, whether it is ports or whether it is internal movement of freight. So all in all, though the supply situation is improving, inflation doesn't seem to show any signs of coming down. करेक्ट मिस्टर शेखर, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को लेकर किस तरह का आउटलुक है, किस तरह आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो ग्रीन प्रोडक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं उस सेगमेंट का क्या व्यू है फिलहाल? As I said, this quarter certainly has been a significant improvement compared to the previous quarters, okay, on both the domestic and export front. एंड अभी भी हमें लगता है कि हमारी जो पूरे पोटेंशियल जो है हमने अभी तक पहुंचा नहीं है, एंड वी डू सी थिंग्स गेटिंग बेटर इन द कमिंग क्वार्टर्स. एंड सो आई मीन लेट अस होप दैट द सप्लाई साइड सिचुएशंस कीप ऑन इम्प्रूविंग, वेदर इट इज विद रेस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल्स और इट इज विद रेस्पेक्ट टू फ्रेट शिपमेंट्स. But then both the performance as well as domestic as well as international, we are seeing improvements. करेक्ट मिस्टर शेखर, यू हैव 7 प्लांट्स और जो आपकी करंट कैपेसिटी है वो करीब 4.5 लाख MTPA के आसपास है. आने वाले दिनों में आपके कैपेक्स के क्या प्लान्स हैं, क्या आप ये कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं? कैपेसिटी जो है हमने दो बरस पहले हमारी परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंस कैपेसिटी इंक्रीज किया था, जो हमें काम आया है, सही समय में हमें काम आया है. और हमने जो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स जो है उनका कैपेसिटी जो है, जैसे मैंने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट कैपेसिटीज वेंट ऑन स्ट्रीम अबाउट 3 months बैक. वी आर ऑल्सो फर्दर इंक्रीजिंग अवर कैपेसिटीज इन वेरियस प्लांट्स ज्योग्राफीज, वेदर इट इज तलोजा और जगाड़िया, इधर थ्रू डी बॉटल नेकी और सडन ब्राउनफील्ड यू नो न्यू प्रोजेक्ट्स. सो दिस कैपेसिटी इंक्रीज कीप्स हैपनिंग यू नो विद अस, बिकॉज़ एज यू नो वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर. सो दिस आर सडन एंटिसिपेटरी एक्सपेंशंस ऑफ कैपेसिटीज दैट वी आर डूइंग, एंड दिस विल टेक टाइम. यू नो दिस आर कैपेसिटीज टू कंप्लीट देम will take anywhere from 18 to 24 months or so. So, but they are on. I think our capex plans are very well underway. We did spend the last year or this year, you know, 21-22, our capex expenditure mere hisab se shayad 160 se 175 crore tak rahega. And agle baras mein bhi yahi लेवल ऑफ कैपेक्स जारी रहेगा. राइट. वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर शेखर, आपके जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से अराउंड 51% जो है वो मेजर क्लाइंट्स आपके MNCs की तरफ से आता है टोटल रेवेन्यू. आपने फिलहाल पिछले कुछ समय में कोई नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं, आने वाले दिनों में क्या प्लान्स हैं नए क्लाइंट्स ऐड करने को लेकर? When we say, you know, one of our major strategy has been how do we, you know, cross sell or increase the product basket with our you know T1 customers, and that is something which has happened very well of both specialty ingredients and performance surfactants. As you know, our product portfolio consists of over 200 products. This enables us, and then we are the only company which is fully dedicated to the personal home care industry. So this gives us a significant amount of scope and leverage
to be able to expand our product basket as well as portfolio of products to our various customers, and particularly in the last 1 year or so, with the various customer developments and product developments and customized individual customer developments, we have been able to increase our product portfolio basket with various T1 customers. And at the same time, we have also added a number of customers, both at the T3, T4 segments at various geographies. As I mentioned in many previous interviews, the e-commerce segment has been one particular segment which has shown good noticeable growth in these last 2 years or so. And Galaxy has been very closely working with these e-commerce customers in India as well as in certain chosen geographies. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शेखर समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत करने के लिए। गैलेक्सी सरफेक्ट 10 के टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर मिस्टर यू शेखर बताते हुए किस तरह के प्लान्स आने वाले समय में यहाँ पर है, नई कैपेसिटी भी ऐड करने की तैयारी कंपनी कर रही है, लेकिन अब स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ आस्था जैन जुड़ गई है, हमारी आज की खास मेहमान। आस्था, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। गैलेक्सी सरफेक्ट 10 पर फिलहाल क्या व्यू बन रहा है आपका? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। देखा जाए तो बिजनेस मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि बिल्कुल स्टिकीनेस है बिजनेस में, क्योंकि 55% रेवेन्यू तो एमएनसी से आता है। मार्जिन्स भी यहाँ पे स्टेबल है, और जिस तरह से अभी हम सब परेशान हैं इन्फ्लेशन को लेके, बढ़ती रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेके, तो ये कंपनी का बिजनेस इस तरह का है कि अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े भी तो इजिली पास ऑन कर पाएंगे कस्टमर्स को। तो इन सब के मद्देनजर मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी वेल प्लेस्ड है। और दूसरी तरफ अगर जो इन्होंने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिखाई थी लास्ट क्वार्टर में, तो सुपर परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी, क्योंकि लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 100% से ज्यादा गेन हमने देखा था इनकी बॉटम लाइन पे। सो ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से कंपनी यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल तैयार है आगे जाते हुए भी, और इसी वजह से मैं अभी भी इस स्टॉक पे पॉजिटिव हूँ। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अभी भी कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर किसी की होल्डिंग है, नई होल्डिंग के लिए थोड़ा सा वेट किया जा सकता है क्योंकि नतीजे अब बिल्कुल नजदीक है, तो तब वहां देख के एक बार वेट किया जा सकता है। लेकिन जिन्होंने लिया हुआ है वो कंटिन्यू करें। पहला इसमें जो लक्ष्य हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन रहेगा 3280 का। 3280 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो वापस से हमें ओल्ड हाइज भी देखने को मिलेंगे 3490-3500 के आसपास। तो सलाह यही रहेगी कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसे होल्ड करके रखें, और अगर आप इसमें नई एंट्री लेना चाहते हैं तो कुछ रुकिए क्योंकि रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, जल्दी ही कंपनी के नतीजे भी आएंगे, उसके बाद एक कॉल लिया जा सकता है कि इस स्टॉक में एंट्री करनी है कि नहीं। बहुत शुक्रिया आस्था इस पूरे अपडेट के लिए।